धम्म पद गाथा क्रमांक 306, आज दिनांक 1 दिसंबर 2020। ये धम्म पद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ति के जेतवन विहार में रहते समय एक सुंदरी परिव्राजिका के संबंध में ये गाथा की देशना कही है। अभूतवादी निरयं उपेति यो वापी कत्वा न करोमि चाह उभो पिते पेच समा भवन्ति निहीन कम्मा मनुजा परत्थाति निहीन कम्मा मनुजा परत्थाति। तथागत भगवान बुद्ध एक समय श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ वो विहार करते थे, साधना हेतु रहते थे। और श्रावस्ती में जो बहुत बड़ी नगरी थी, उस नगरी में इतना प्रचार, इतनी ख्याति बुद्ध की बढ़ने लगी, जहां वहां जहां वहां उनको निमंत्रण आने लगा, भिक्षुओं को निमंत्रण आने लगा। जहां वहां धम्म के पीछे लोग बहुत आस्था से और बड़े श्रद्धा से जुड़ने लगे, बड़ा आनंद लोगों के जीवन में आने लगा और भगवान बुद्ध की कीर्ति उसी प्रकार भिक्षु संघ की कीर्ति बहुत ऊंचे अवस्था तक पहुंच गई। जैसे 5 नदियों की बाढ़ आती है और भरपूर पानी मिलता है, इस प्रकार बुद्ध धम्म के स्वागत सत्कार की बाढ़, बहुत सम्मान, बहुत आदर, जहां वहां जहां जाओ, जिस शहर में जाओ, जहां वहां होने लगा। श्रावस्ती में हर जगह बहुत सम्मान होने लगा। तो जो अन्य तीर्थीय कुछ लोग थे, वो बहुत ईर्ष्यालु बन गए, उनका कोई अस्तित्व रहा नहीं, उन्हें कुछ सम्मान मिलने लगा नहीं, जो बहुत सारे भ्रम भ्रांति के रास्ते पर पड़े हुए थे। तो लोग जब सत्य को समझ गए, सत्य को लोग जानने लगे, तो जिस प्रकार कहा गया है कि जुगनू का जो प्रकाश होता है वो भी प्रकाश देते हैं, लेकिन जहां सूरज उग गया तो जुगनू का प्रकाश खत्म हो जाता है, नहीं जैसा हो जाता है। इस प्रकार कुछ अन्य तीर्थिकों की अवस्था उस श्रावस्ती शहर में और देश में हो गई। तो बड़े कठिनाई से उनको कुछ जीवन यापन के लिए भी मिलने लगा और बहुत वो उनका जो मान सम्मान था, जो आदर था, वो थोड़ा क्षीण होने लगा। लेकिन अपने परंपरा से, अपने मतों से वो चिपके हुए थे,
कि हमें तो इसे चलाना है, किसी भी हालत में इस रास्ते पर हमें चलना है। तो ये बुद्ध के प्रकाश के समय ऐसा उनका वो उनकी अवस्था हो गई कि बहुत ही कठिन उनको मान सम्मान मिलना, उनको दान मिलना आदि बड़ा कठिन उनको हो गया। तो कुछ लोग आकर बड़ी चिंता में पड़ गए, अब क्या करें, ये बुद्ध का तो नाम जहां वहां फैल रहा, जहां वहां कीर्ति फैल रही है, और हमारे लिए तो अब बड़ा मुश्किल कठिन समय आ गया है, तो क्या करें। तो कुछ लोग अपने मठों में उस परिव्राजका के आश्रमों में वो योजना बना रहे कि किसी तरह बुद्ध का सम्मान कम हो जाए, बुद्ध का प्रकाश कम हो जाए, तो कैसे करें। अब साधु को जो बदनाम करने के लिए दो प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं, एक तो पैसे का लांछन, पैसे का आरोप। तो बुद्ध पर क्या पैसे का आरोप लगाएंगे, पैसे लेते भी नहीं, और वो तो राज परिवार से राजकुमार थे, सब छोड़ के आ गए हैं लोगों के कल्याण के लिए, तो क्या आरोप उन पर लगाया जाए। एक आरोप बचता है कि वो स्त्री के प्रति, तो इसलिए एक बार ये लोग अपने आश्रम में बैठे रहे और सुंदरी परिव्राजिका, वो बड़ी सुंदर थी, परिव्राजिका थी, सन्यासिनी थी। तो एक बार वो सुंदरी परिव्राजिका अपने आश्रम में गई तो वहां कोई उनसे बोलने के लिए तैयार नहीं, यहां जाती वहां जाती, लेकिन सब उनको तरफ बड़े अलग भावना से देखते हैं, बड़े दुखी थे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। वो बोलने का प्रयास करती फिर भी तैयार नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, मेरी कोई गलती हुई है क्या, क्यों मुझसे आप बात नहीं करते, क्या वजह है। तब कुछ उनके परिव्राजकों ने बताया कि देखो आज हमारी ऐसी हालत बन गई है, कोई हमारा स्वागत सत्कार नहीं होता, कोई हमें दान दक्षिणा नहीं मिलता, ये बुद्ध की वजह से, जब से बुद्ध का उदय हो गया है तो हमारी सारी कीमत कम हो गई है, अब हम क्या करें। तुम ही कुछ कर सकती हो, तुम सुंदर हो, अच्छी हो, तुम कुछ हमारे लिए कर सकती हो, तो बोलो, आप बोलो, वैसा मैं करूंगी। तो उन्होंने बताया षड्यंत्र रचा और उसने भी मान्य किया, ठीक है मैं तो अपने संप्रदाय को बचाने के लिए जो करना है करूंगी। तो उसने मान्य किया और फिर वो सुंदरी जो परिव्राजिका थी वो बड़ी नट थटकर माला गंध आदि सब पहनकर डालकर वो जहां बुद्ध रहते थे जेतवन विहार में, उस विहार में अनुचित समय पर जाने लगी। यानी जब लोग विहार से शहर में वापस आते हैं तो ये उस समय विहार की तरफ जाती है, बताती है कि जैसे मैं विहार जा रही हूं। इस प्रकार वो गलत अनुचित समय पर जाना शुरू कर दिया। और जब लोग सुबह दान लेकर कुछ पूजा साहित्य लेकर विहार में लोग जाते हैं तो ये रात भर कहीं दूसरी जगह पर सोकर वो वापस आती थी शहर में, कि लोग उसे आते हुए देखे, लोग पूछते थे कि भाई तुम कहां से आ रही हो, कहां थी कल रात में। तो कहती थी वो कि तुम्हें क्या लेना देना, मैं तो रही थी बुद्ध विहार में, श्रमण गौतम के साथ में रही हूं। इस प्रकार ऐसा वो बोलने लगी और कुछ दिन तक ऐसा वो करने लगी। तो लोग विचार करने लगे, सोचने लगे कि क्या कर रही है। और एक दिन अचानक
एक दिन ये परिव्राजकों ने कुछ धूर्तों को, कुछ गुंडों को पैसा देकर ऐसी योजना बनाई कि उसकी हत्या करवा दी, और उसकी हत्या करके जहां कूड़े का ढेर था, जो बिहार के ही नजदीक कि जो माला गंध फूलों फूल आदि बहुत सारा पूजा का साहित्य हर दिन आता था बिहार में, तो सारे जो माला गंध आदि सभी लोग उसका यूज होने के बाद कोई कूड़े के ढेर में फेंकते थे, तो नजदीक है ऐसा वो कूड़े का ढेर बिहार के सीमा के नजदीक था। तो इन्होंने गुंडों के द्वारा उसकी हत्या कर दी और वो कूड़े के ढेर में उसको दबा के रख दिया गया। दूसरे दिन वो आती हुई दिखी नहीं और जहां वहां कोलाहल मच गया। इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कल तो गई थी, कहां है सुंदरी, आई नहीं है, आज हमने देखा नहीं। जहां वहां फिर उन्होंने जहां वहां तकरार भी की और राजा के यहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कर दी कि सुंदरी जो कल गई थी इधर आज आई नहीं है, क्या हुआ हमें पता नहीं है, देखो खोजो, ये करो वो करो, ऐसा उसको खोजना शुरू हो गया। तो राजा के लोगों ने कहा कि देखो भाई, तुमको किसी पर संदेह है क्या? यदि संदेह तो वैसा करो, हम तुमको साथ देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ संदेह जरूर है, वो तो बिहार की तरफ जाती थी, देखे है कहाँ है। तो उनको कुछ पुलिस कर्मी को लेकर, राज कर्मियों को लेकर वो लोग जिधर उधर खोजने लगे, वो ले गए अपने साथ। और उन्होंने ऐसा इधर उधर खोजते खोजते बाद में जो कूड़े का ढेर था जहाँ फूले फूलों आदि माला आदि कहीं वहां पर फेंकी जाती थी, तो उसके भीतर उसके शव को छिपाया हुआ था, वो उसने निकाल दिया। और उसने कहा कि देखो ये भिक्षुओं की करतूत, देखो ये बुद्ध की करतूत, के ये लोगों को ऐसा बताते हैं वैसा बताते हैं, लेकिन इन्होंने इसके साथ कुकर्म किया और उसकी हत्या करके उनके शव को यहां पर दबा दिया। तो ऐसा लोगों में प्रचार करने लगे और फिर उन्होंने एक मंच पर, एक गाड़ी पर उस शव को रखा, उस मृत देह को रखा और शहर के गली गली में घुमाने लगे कि देखो भिक्षुओं का कर्तव्य, देखो देखो बुद्ध का कर्तव्य, क्या किया उन्होंने, हत्या कर दी, ऐसा किया वैसा किया। तो जहां वहां उनकी निंदा नालस्ती भिक्षुओं की होने लगी, बुद्ध की निंदा नालस्ती होने लगी। जो मूर्ख लोग थे, जो सर्वसामान्य बहुत सारे लोग तो बहुत मूर्ख लोग होते हैं, उनकी बड़ी संख्या होती है, तो सब इकट्ठे आ गए जहां वहां कहने लगे कि ये तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, और भिक्षुओं को फिर निंदा होने लगी। बुद्धों को भिक्षुओं ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बुद्ध ने कहा शांत रहो, सत्य अपने आप उभर आएगा, शांत रहो, सहो जो भी होता है, कोई प्रतिक्रिया ना करो, शांत रहो। तो भिक्षु शांत रहे। उसी प्रकार राजा भी सोचने लगा कि क्या हुआ, क्या इसके पीछे राज है। तो उन्होंने अपने गुप्तचर को जहां वहां भेजना शुरू कर दिया, जाओ देखो खोजो क्या सच्चाई है। तो एक दिन, कुछ ही दिन के बाद, कुछ जो गुंड लोग एक शराब की दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे और पैसे के बंटवारे में उनमें थोड़ी झंझट हो गई। एक कहने लगा तू क्यों इतना मांगता है, हमें बराबरी का लेंगे, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तुमने तो केवल उसको पकड़ के रखा, मैंने उसको मारा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तो गुप्तचर बैठा हुआ था, उसने सुन लिया, सुनकर उसने उसको पकड़ा और पकड़कर उसको राजा के पास ले गए और पूछा गया कि सच्चाई क्या है, किसने मारा तुमने, कौन से पैसे दिए, किसने पैसे दिए तुमको। जब पता चला
कि कुछ परिव्राजकों ने हमको पैसे दिए और हमने ऐसा ऐसा हत्या कर दी उसकी, हमने हत्या की है। जब ये सच्चाई समझ में आने लगी तो उन्होंने फिर वहां पर दबंडी पिटवा दी शहर में। वो लोग कहने लगे कि हमने हत्या की, हमने हत्या की, हमको हत्या करवाने लगाया इन इन लोगों ने। तो गाड़ी पर बैठकर वो सब लोगों को बताने लगे जो कलंक उन्होंने बुद्ध पर लगाने का प्रयास किया है। वो स्वयं अपने मुंह से बोलने लगे, क्योंकि राजा की आज्ञा थी, राजा का दंड था, राजा ने सबको पकड़ा घुमाया शहर में और बोलने लगे कि हमने हत्या की, हमसे हत्या करवाई, हमने हत्या की, इनने हमको पैसे दिए, इनने हमको पैसे दिए। ऐसा जब बोलने लगे तो वो कलंक जो भिक्षुओं पर बुद्ध पर लगाया गया था वो मिट गया। इनकी और भी स्थिति बड़ी बदतर हो गई कि क्या काम इन लोगों ने करवाया। और इस प्रकार उनका सम्मान और भी कम हो गया और भिक्षुओं का सम्मान और भी बढ़ने लगा, और भी बढ़ने लगा। उस प्रसंग पर तथागत भगवान बुद्ध ने ये गाथा लोगों को कही थी, अभूतवादी निरयं उपेति यो वापि कत्वान करोमि चाह उभोपिते पेच्च समाभवन्ति निहीन कम्मा मनुजा परत्थाति। कि जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, जान बूझ कर असत्य बोलते हैं, वो दुर्गति में जाते हैं, निरय में उसको उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जो करते हैं और हमने नहीं किया, इस प्रकार जो कहते हैं वो भी दुर्गति में जाते हैं। दोनों की गति एक जैसी होती है, इसीलिए सत्य में बहुत बड़ा बल होता है। असत्य ना बोलो, झूठ ना बोलो, किसी पर झूठा आरोप प्रत्यारोप ना करो, वो बहुत दुर्गति में ले जाता है। इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण गाथा कि देशना तथागत बुद्ध ने इस घटना के बाद कही है। और जो आरोप लगाया गया बुद्ध पर या भिक्षुओं पर, वो इस प्रकार से आरोप भी मिट गया और भी जो धम्म का प्रकाश और भी बढ़ गया। और भी उनकी जो जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था उनकी बड़ी बुरी अवस्था हुई और राजा ने सबको पकड़कर सभी को दंडित कर दिया। गुंडों को तो दंडित किया ही, लेकिन जिन लोगों ने यह करवाया उन सभी लोगों को पकड़कर राजा ने उनको दंडित करवाया, उनको दंडित किया और बड़ी कठोर शिक्षा उन्हें दी गई। इस प्रकार ऐसे ये अवस्था पर ये गाथा कि देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में की थी। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ हम आपको सभी को मंगल मैत्री भेज रहे हैं। इसके साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।